रुद्रपुर में नर्स से हुई दरिंदगी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडी चौक रुद्रपुर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा और महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसकी बारीकी से जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। गैरसैंण के सारकोट गांव के हवलदार वासुदेव सिंह परोड़ा लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में एक्सरसाइज क्लोजिंग के दौरान हुए बम ब्लास्ट में शेल्टर की चपेट में आने से शहीद हो गए। वहीं दो जवान भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जवान की शहादत से परिजनों में कोहराम मच गया है। आज रक्षाबंधन के पर्व पर उनका पार्थिव शरीर सुबह उनके गाँव लाया गया, जहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने वासुदेव जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे लगाए। जवान की शहादत की सूचना से पूरा शहर में डूब गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चंपावत में रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को लाखों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 13 योजनाओं का लोकार्पण तो वहीं 13 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घ आयु की कामना की। वहीं सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आईएसबीटी देहरादून में हुई क्रूरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कब तक महिलाओं की अस्मिता लुटती रहेगी। देश भर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और महिलाएं इससे दुख और गुस्से में हैं। महिला अपराध में संलिप्त आरोपियों को सजा देनी चाहिए और उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं देना चाहिए। गरिमा ने बीजेपी की महिला नेत्रियों का आह्वान करते हुए कहा कि अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह इस वक्त भी उन्होंने चुप्पी साधी तो घर में अपनी बच्चियों का सामना कैसे करेंगी। जिनके घरों में बच्चियां हैं वो आखिर अपनी बच्चियों को लेकर कौन से गृह में चले जाएं? हम कानून व्यवस्था से सवाल पूछना चाहते हैं कि अपराधियों को लेकर तत्परता कहां चली जाती है आपकी, और महिला नेत्रियों से पूछना चाहती हूं सत्तारूढ़ दल की, चाहे वो आशा नौटियाल हों, चाहे वो महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हों, चाहे बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना हो, चाहे वो महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हो, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी हो, ये सारी अब कौन से बिलों में जाकर घुस गई हैं? उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन में मंजूरी मिल गई है। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11,000 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती, उन्हें सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड विधानसभा जल्द ही देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी जो पूरी तरह पेपरलेस होगी। इसके लिए देहरादून और गैरसैंण स्थित विधानसभा भवनों में नेवा प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में नेवा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेते हुए काम की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत दो चरणों में काम किया जा रहा है। विधानसभा के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे विधानसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ ही हम जनता को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर युवा भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन से मुलाकात की। इस दौरान लक्ष्य सेन के माता पिता और उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने पर लक्ष्य सेन को सम्मानित किया। सीएम धामी ने लक्ष्य सेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। प्रदेश सरकार और राज्य की जनता आपके साथ है। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी और उनके बच्चों ने भी लक्ष्य सेन से मुलाकात की। देश भर में भाई बहन के असीम स्नेह और प्रेम के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी रक्षाबंधन के पर्व की धूम है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बहनों से राखी बंधवाई। सीएम धामी रक्षाबंधन का पर्व मनाने अपने घर खटीमा पहुंचे। खटीमा स्थित आवास पर उनकी बहनों ने सीएम धामी के हाथों पर राखी बांधी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष दिया है। इस रिश्ते की गहराइयों में ठास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसी के साथ K24 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर रक्षाबंधन के पर्व को और भी खूबसूरत तरीके से आप मनाना चाहते हैं तो अपना
10 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमको भेजें। इसी के साथ आप अपने भाई के साथ रक्षा सूत्र बांधते हुए फोटो भी शेयर कर सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट बुलेटिन में ज़रूर पब्लिश करेंगे। रक्षाबंधन की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।